सखाओं ने बात मान ली। भगवान ने मंसूर भैया से की, देखो भैया सखाओं का भजन तो है ही तुम्हारी ऊपर, एक काम और करना, नजर दरवाजे पे रखना, कोई आए तो बता देना। प्रभु चढ़ गए ऊपर, एक पांव दीवार पर लगाया, एक सखा के कंधे पर, प्रभु ने मां का निकाला भोग लगाया, और उस समय का एक चित्रण महाकर पद्माकर जी ने किया है। पद्माकर जी लिखते हैं कि जीते जीते चारों ओर चौक चौक पर क्यों ही, और जहां तहां जब तब खटखट पात है। चारों ओर चौक चौक के देख रहे भगवान, कहीं पत्ता खटक जाता है तो चौक जाते हैं। के चिते चिते चारों ओर चौक चौक पर क्यों ही, और जहां तहां जब तब खट खट पात है। वो भाजन सो चाहत गबार ग्वालनी के कछो, डरन डरावे से उठान रोब गान है। कहीं आन जाए भय के कारण रोमा बलिया खड़ी है, प्रभु की डर की वजह से भागना चाहते हैं। कैसे खड़े हैं कि एक पाव भीत एक पाव मीत कान धरे, वो एक हाथ छी के एक हाथ दिखात ही, पद्माकर सुधरे की दशा मोहन की, और शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ से हाथ। गोपी के भय से कांपते हुए प्रभु को कौन देख रहे हैं? आकाश में खड़े हुए देवता देख रहे हैं, शेष देख रहे हैं, महेश देख रहे हैं, दिनेश देख रहे हैं। कहते प्रभु आप धन्य हैं जिनकी भ्रकुट विलास मात्र से तीनों लोकों में महाप्रलय आ जाती है, जिनकी भौ टेढ़े करने से महाकाल कांप जाता है। आज गवार ग्वाली के भय से भगवान कांप रहे। ये चित्रण मैंने क्यों किया? केवल एक बात की सिद्धि के लिए कि भगवान ने ब्रज में रहकर चोरी नहीं की। और चोरी का काम कैसा है? निंदनीय काम है, बुरा काम है। और जब बुरा काम होगा वहां देवता नहीं जाएंगे। देवता कौन है? अच्छे लोग, आप लोग देवता हैं। या कोई बुरा काम होता महाराज आप आते? कभी नहीं आते। अच्छा काम हो रहा तभी तो आए। ये चोरी की होगी तो देवता नहीं जाते। भगवान चोरी नहीं, भक्त का अहमान खा रहे हैं। इस दृश्य को आकाश में खड़े देवता देख रहे कथा के प्रेमी सज्जनों। और उसी समय प्रभावती कंडे बनाकर घर की तरफ लौटी, गोबर में सने हुए हाथ। मनसुख भैया नीचे, ऊपर सखाओं का भजन। नजर दरवाजे पर लगी थी, मनसुख ने देखा प्रभावती आ गई, और सिर पे भजन तो आवाज नहीं निकली। भजन की वजह से मनसुख की आवाज नहीं निकली, बोल नहीं पाए। एक काम किया, नीचे से निकले और मनसुख भैया भागने लगे। और आप सोचो ये नीचे वाला निकल जाए तो ऊपर वालों की क्या दशा होगी? दम दम करके एक एक करके सभी जमीन पे रहता पहता मना मनसुखा श्री दामा भगवान श्याम सुंदर जमीन पे गिर गए। प्रभावती समझ गई घर में कोई है। सखाओं ने देखा प्रभावती आ गई, चारों तरफ सखा भागने लगे। भगवान ने पहले से बता दिया कहीं गिर जाओ तो एक तरफ मत भागना, सब पकड़ जाओगे, चारों तरफ भागो, पुलिस से तो तभी बचा जाता। चारों तरफ भागोगे एक आध पकड़ जाएगा, दो चार बच जाएंगे, जमानत को भी तो चाहिए।
सखा चारों तरफ भाग रहे, प्रभु भी भागना चाहते हैं। प्रभावती ने दौड़ के हाथ पकड़ दिया, कहीं जाना कहा जा रहे हो। प्रभावती ने सोच लिया दुनिया भाग जाए, यशोदा के लाला को नहीं भागने दूंगी। और कथा कह रही है एक बात, दुनिया भागे तो भाग जाए पर नंद के लाला को मत भागने दे। प्रभावती ने हाथ पकड़ दिया, कथा के प्रेमी सज्जनों भगवान ने देखा कहीं प्रभावती ये घर तेरा है। प्रभावती बोली नहीं लाला तेरा है। प्रभावती ने हाथ जोड़े, भगवान कहने लगे प्रभावती गलती से आ गया तेरे घर में, तेरे हाथ जोड़ता हूं, आज छोड़, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। प्रभावती ने सुना कहीं लाला आज तो तेरी मैया के पास ले जाऊंगी, आज के बाद रोज आना अपने हाथ से खिलाऊंगी। आज सारे ब्रज में एक बात का हल्ला हो गया। अरे हरी दधी माखन के चोर, हल्ला हो गया है सारे ब्रज में कि हरी दधी माखन के चोर, अरे पकड़ ले गोपी, हल्ला हो गया कि भैया चोरी करते हुए पकड़े गए, चोरी करते हुए पकड़े गए। हरि दधी माखन के चोर पकड़ ले गोपी, यशोदा जी को लाल पकड़ गयो, अब नारी जो पिए पकड़ ले गोपी, नारी जो पिए पकड़ ले गोपी, हरि दधी माखन के चोर पकड़ ले गोपी, दधी माखन के चोर पकड़ ले गोपी। गोपिया आओ हमें छुड़वा दो। गोपिया कहती है लाला कि मोहन को गोपी धमकावे, कहने लगे गोपिया लाला सुनो आज पकड़ में आए हो, झूठना चाहते हो तो एक काम करो, थोड़ा नाच के दिखाओ, नाचते बहुत अच्छा हो। अरे मोहन को गोपी धमकावे, मोहन को गोपी धमकावे, करे सारा नाच नचावे, करे सारा नाच नचावे। अरे सखिया रही जत जोरे पकड़ ले गोपी, सखिया रही जत जोरे पकड़ ले गोपी, माखन के चोर पकड़ ले गोपी, दधी माखन के चोर पकड़ ले गोपी। Thank you.
गोपी छोड़ न तेरे घर कि गोपी छोड़ न तेरे घर गोपी छोड़ न तेरे घर और सत्यवान तुमको समझाओ सत्यवान तुमको समझाओ भगवान आपको मैं आपको बन रहा है सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अरे आश्र भरे जग को अरे आश्र भरे जग को सकल रे गोपी रे सोरे दिल तो सकल रे गोपी रे हरि गज माखन के चोर पकड़ ले गोपी रे गज माखन के चोर पकड़ ले गोपी रे गज माखन के चोर राम की नहीं मानी खींच के जाने लगी राम की गांव की बेटी नहीं बहू है बोलिए गोविंद भगवान की जय हो कथा के परमेश्वर सामने से एक बूढ़े बाबा आ रहे थे राम जी ने देखा लंबा सा घूंघट बांध लिया भगवान ने प्रभावती से कही प्रभावती एक बात बता तेरी मेरी गांव जन्म की दुश्मनी ना आए मैंने तेरा माखन चुराया तूने चोरी करते हुए मुझे पकड़ लिया अब छोड़ेगी नहीं तुम्हें जानता हूं मैं समझ गया तू नहीं छोड़ेगी लेकिन प्रभावती एक काम कर तूने मेरी कलाई को इतनी जोर से पकड़ रखा है कि मेरी कलाई में दर्द होने लगा है ऐसा कर इस हाथ को छोड़ इस हाथ को पकड़ ले प्रभावती ने सोचा बालक छोटा है दर्द होने लगा होगा एक हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ लो क्या परेशानी है प्रभावती ने प्रभु का एक हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ना चाहा प्रभावती का बेटा कन्हैया का पुत्र उसने धीरे से अपना हाथ मैया के हाथ में दे दिया भगवान ने देखा तो एक हाथ से पहुंचा और नौ दो ग्यारह हो गए बोलिए गोविंद भगवान की जय हो कथा के प्रेमी से आज भगवान भागे सीधे भैया यशोदा के पास आवाज लगाई भैया भैया ने कहा नाना क्या है भगवान कहने लगे भैया बड़े जोर का भूखा कुछ खाने को दे भैया माखन निकाल के लाई भगवान ने कहा भैया इतना नहीं इतना कौन खाएगा भैया कहने लगे तू खा ले भगवान कहने लगे भैया एक बात बता मैं छोटा हूं और छोटा सा मेरा पेट है और छोटे पेट में भैया बताइए किन किन के घर को बन जाएगा भैया कहने लगे डाला बिल्कुल ठीक कह रहा है भगवान कहते हैं भैया फिर भी सारे ब्रज में हल्ला बोला है कि मेरे घर का खा गया मेरे घर का खा गया भैया कैसे खा लूंगा सबके घर का भैया नहीं जाना अब तक तुम घर से बाहर रहते थे तो मुझे गोपनाओं की बात माननी पड़ती थी आज घर में हो भैया की बात सुनी भगवान कहने लगे भैया आज घर में हूँ फिर भी कोई न कोई गोपी शिकायत लेके आ रही होगी भैया भी की आने दे आप में देखती हूँ बातचीत हो रही थी तब तक द्वार से प्रभावती ने आवाज लगाई कही यशोदा
भगवान की देख भैया द्वार पर कोई आएगी, भैया जी तू बैठ में देखती हूँ। भैया बाहर निकल के आई, देखा भीड़ लगी है, पूछा प्रभावती है भीड़ कैसी, प्रभावती ने कही लाला आज तेरा चोरी करते हुए पकड़ा है सोना मिल। भैया जी की बेरा लाला पकड़ा चोरी करते हुए कहा है, पीठ के पीछे प्रभावती खड़े किए थी कन्हैया को, लेकिन कन्हैया नहीं उसी का बेटा था, खींच के सामने किया कही के देख ये है तेरा कन्हैया। भैया सोदा ने कहा प्रभावती ये घूंघट उठाए के देख लाला मेरा है कि तेरा, और प्रभावती ने देखा तो उसी का बेटा, उसके हाथ में सारा अहंकार मिट गया।